आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपको फेसबुक में इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, सेशन एक्सपायर्ड प्लीज़ लॉग इन अगेन, तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें। तो यहाँ पर अगर हम ओके पे क्लिक करके इसे ओके करेंगे तो फिर से पासवर्ड एंटर करने को कहेगा, और पासवर्ड एंटर करके अगर फिर से लॉग इन कर रहे हैं उसके बाद फिर से यहाँ पर शो होता है सेशन एक्सपायर्ड प्लीज़ लॉग इन अगेन। तो ये प्रॉब्लम आपको बार बार आ रही है फेसबुक में, तो इसे ठीक करने के लिए यहाँ पर आप अपने फ़ोन में फेसबुक से बाहर आइए और अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करिए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करिए और नीचे आकर आपको मिलेगा ऐप्स का ऑप्शन, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करिए। यहाँ पर आपके फ़ोन के सारे एप्लीकेशन आएंगे। अब नीचे स्क्रॉल करके सर्च करिए फेसबुक एप्लीकेशन को, और उसके बाद आपको मिलेगा इस टाइप से फेसबुक। फेसबुक पे क्लिक करिए। उसके बाद ऐसा पेज आपके सामने आएगा। अगर आपको ये पेज नहीं मिलेगा तो फेसबुक के आइकन पे क्लिक करके रखिए इस टाइप से। उसके बाद ऐप इन्फो पे क्लिक करके सेम पेज पर आप आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, स्टोरेज या फिर स्टोरेज यूसेज के नाम से, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको मिलेगा क्लियर डेटा, क्लियर डेटा पे क्लिक करिए। उसके बाद ओके पे क्लिक करिए। इसे ओके करके अब यहाँ पर आप बाहर आ सकते हैं। उसके बाद फेसबुक एप्लीकेशन को फिर से ओपन करिए। अब उसके बाद फ़ोन और ईमेल पर क्लिक करके अपना फेसबुक अकाउंट से लिंक फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी एंटर करिए। उसके बाद पासवर्ड पर क्लिक करके अपने अकाउंट का पासवर्ड एंटर करिए। अब यहाँ पर आईडी पासवर्ड एंटर करके लॉगिन पे फिर से क्लिक करिए। थोड़ा सा वेट करिए। अब उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे और आपका अकाउंट देख सकते हैं लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और सेटिंग्स करनी है तो ऊपर तीन लाइन पे क्लिक करिए। उसके बाद नीचे आकर आपको मिलेगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, इस पे क्लिक करिए। सेटिंग्स पे क्लिक करिए। उसके बाद आपको मिलेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, इस पे आप क्लिक करिए। यहाँ पर आपको मिलेगा वेयर यू लॉग्ड इन, सी ऑल पे क्लिक करिए। तो नीचे लॉग आउट ऑल सेशंस पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा वेट करके लॉग आउट पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आप बैक आ सकते हैं और सेशन एक्सपायर्ड की प्रॉब्लम अब आपको नहीं आएगी। तो इस टाइप से इस प्रॉब्लम को ठीक करें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।